हेलो दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ मेरे साथ मीशो में किस तरह फ्रॉड हुआ है और मेरा पैसा अभी तक मुझे नहीं मिला है। क्या फ्रॉड हुआ है, कैसे हुआ है, सब कुछ मैं बताऊंगा। ये वीडियो को पूरा देखना और आइंदा से मीशो से अगर आप सेल करना चाहते हो तो प्लीज सेल मत करना। क्या स्टोरी हुआ है ये जानते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पास मीशो में 3 टी-शर्ट का ऑर्डर आया था, 2 M साइज और 1 L साइज। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, 3 टी-शर्ट का मीशो में ऑर्डर आया था। जब मेरे पास ऑर्डर आया तो मैं 3 टी-शर्ट को एक ही पॉकेट में पैक किया, स्टिकर लेबल सब कुछ चिपकाया। उसके बाद जो डिलीवरी बॉय पार्सल लेने के लिए आया था उसको दे दिया। वो डिलीवरी बॉय 3 टी-शर्ट उसमें है या नहीं है वो चेक करके वो ले गया। उसका कुछ दिन के बाद ये ऑर्डर कैंसिल हो जाता है और उसके बाद मेरे घर में वापस ये ऑर्डर रिटर्न आता है। जब ये ऑर्डर रिटर्न आया था वहाँ पे उस टाइम जो डिलीवरी बॉय ये पार्सल को लेकर आया था उसमें सिर्फ एक ही टी-शर्ट था और 2 टी-शर्ट को एक्सप्रेस डिलीवरी पार्टनर ने, उनका कोई डिलीवरी बॉय ने, उसमें से 2 टी-शर्ट को निकाल के बड़ी सफाई से निकाल कर प्लास्टर चिपका के रिटर्न दिया था। ये एक ट्रांसपेरेंट कवर जरी था, पॉलिथीन था। यहाँ पे आप ऊपर साफ साफ देख सकते हो ट्रांसपेरेंट कवर के अंदर कितना टी-शर्ट है। उस पार्सल को मैं रिसीव करने के लिए मना कर दिया, भाई इसमें 2 टी-शर्ट मिसिंग है, ये पार्सल मैं रिसीव नहीं कर सकता हूँ, मना कर दिया। उसके बाद मैं मिसो में जाकर टिकट रेज किया, क्या क्या मेरा प्रॉब्लम था वो सब कुछ मैं मिसो को बताया। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, टिकट रेज किया मैं मिसो में जाकर। यहाँ पे देखिए, मेनू में गया, सपोर्ट में गया, माई टिकट में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, 27 तारीख के दिन क्या हुआ था, पार्सल में 2 टी-शर्ट मिसिंग था। तो जब डिलीवरी बॉय मेरे पास आया था मैं उस टाइम एक वीडियो किया था। यहाँ पे मैं मिसो को वीडियो भी सेंड किया हूँ और पूरा डिटेल्स में लिखा भी हूँ कि देखिए मेरे टी-शर्ट उसमें 3 था लेकिन उसमें से 2 टी-शर्ट मिसिंग है। मिसो एक्सप्रेस बेस्ट डिलीवरी पार्टनर ने 2 टी-शर्ट मेरा मिसिंग कर दिए। कैसे पैक किया था और दिया था वो पैकेजिंग वाला वीडियो भी मैं मिसो को सेंड किया। मैं आप, एक दिन हो गया एक भी कॉल नहीं आया, दूसरे दिन हो गया संडे था एक भी कॉल नहीं आया, इसलिए मैं दोबारा उसमें मैं मैसेज किया हूँ, कॉल करिए सर या फिर मेरा पैसा को रिफंड करिए, 3 टी-शर्ट को रिफंड करिए। मैं बार बार मैसेज करता गया, कॉल करिए कॉल करिए, लेकिन मीशो की तरफ से एक भी कॉल नहीं आया उस दिन। उसके बाद मैं वापस से पूरा डिटेल्स में उनको बताया कि देखिए सर, डिलीवरी बॉय अभी आया था, उस टी-शर्ट उसमें 2 टी-शर्ट मिसिंग था, अगर आप हाथ में पकड़ोगे उस पार्सल को तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा उस पार्सल के अंदर 1 टी-शर्ट है या फिर 3 टी-शर्ट है, क्योंकि 1 टी-शर्ट का वजन 250 ग्राम और 3 टी-शर्ट का वजन होता है लगभग 750 ग्राम। लेकिन उन लोगों को कैसे मालूम नहीं चला ये चीज। वहां पे जो लेबल लगा हुआ था उस लेबल में भी साफ साफ लिखा हुआ था इसके अंदर 3 टी-शर्ट है। उसके बाद मैं दोबारा मैसेज किया, उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद ये लोग क्या बोलते हैं आप देखिए, आप जो ये जो टिकट रेज किया हो ये गलत है, आप पहले पार्सल को रिसीव करो उसके बाद टिकट रेज करो। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर मैं पहले ही पार्सल रिसीव करके टिकट रेज करता तो ये लोग मुझे बोलते तुम ही पार्सल में से टी-शर्ट निकाल कर इस तरह वीडियो बनाकर दिए हो, लेकिन इसलिए ही मैं पार्सल को पहले से ही रिसीव नहीं किया। ये लोग बोल रहे हैं पार्सल को रिसीव करो उसके बाद आप टिकट रेज करो दोबारा। उसके बाद मैं पार्सल को रिसीव किया, उसके बाद मैं फिर से कंप्लेन किया, टिकट रेज किया, उनको डिटेल्स में बताया और मैं बोला अगर आप इस प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं करोगे तो मैं पुलिस कंप्लेन भी कर सकता हूँ। और जो भी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग किया था एक के बाद एक मैं यूट्यूब में डालता रहा, आप लोग मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो, वो HD क्वालिटी में वीडियो है। क्या क्या मैं वीडियो डाला हूँ जिस दिन जो भी हुआ है उस दिन वो मैं वीडियो डाला हूँ। तो उनके तरफ से एक अजब ही मैसेज आता है, आपके पार्सल सक्सेसफुली RTO रिटर्न जो था वो डिलीवरी हो चुका है, अगर कोई इशू है तो आप दोबारा टिकट रेज करिए। ये जो टिकट था पूरा ही क्लोज हो गया है। उसके बाद मैं दोबारा टिकट रेज किया, दोबारा मैं सारे के सारे वीडियो फुटेज रिकॉर्डिंग किया और जो पार्सल आया था उसको मैं अनपैकिंग किया और उसका एक अच्छा सा वीडियो बनाया। आप लोगों को वीडियो दिखा देता हूँ, पहले देख लीजिए। तरफ से ये पार्सल निकाल दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो पार्सल निकाल दिया गया है। देखिए मैं ओपन कर जूम कर देती हूँ, देखिए बारकोड देख लीजिए।
ये QR कोड देख लीजिए। अभी मैं पार्सल का ओपन कर रहा हूँ, देखिए इसके अंदर सिर्फ एक ही टी शर्ट है, लेकिन मैं 3 टी शर्ट दिया था, इसके अंदर और कुछ नहीं है, एक ही टी शर्ट है। आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग देखिए प्लास्टर चिपकाया गया है और इसमें से 2 टी शर्ट को निकाल कर प्लास्टर चिपका दिया गया है। वीडियो में आप साफ साफ देख सकते, इसके अंदर एक ही टी शर्ट है और 2 टी शर्ट नहीं है। यहाँ पे मैं दोबारा उनको मैसेज किया तो ये लोग बोलते हैं, उस टाइम जब मिसो रिप्ले नहीं दे रहा था तो उस टाइम में 2 टिकट रेज किया था। 2-3 दिन तक वो लोग रिप्ले नहीं दे रहे थे, कॉल नहीं कर रहे थे, तो मैं 2-3 टिकट रेज किया था। तो यहाँ पे वो लोग मुझे मैसेज किए, आप 2-3-4 टिकट रेज मत करिए, एक टिकट में ही आप रिप्ले दीजिए। तो उसके बाद ये लोग मुझे मैसेज करते है, 5 अगस्त को आप जो रजिस्टर नंबर दिए थे उसमें हम कॉल किए थे लेकिन अनेबल टू कॉन्टेक्ट, मतलब मेरा कॉल नहीं लगा उनके तरफ से, इस तरह बोल के मैसेज किए और बोल रहे हैं कि हमारा मिसो टीम आपके साथ कॉन्टेक्ट करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है। ना इन लोगों का मिसो सेलर का कोई ऑफिशियल ईमेल आईडी है, ना इनका कोई कस्टमर केयर नंबर है जिसमें हम कॉल करके बता सकते हैं। मिसो सेलर के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इनका कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, आप सिर्फ टिकट रेज करके ही कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट इन लोगों को आप कॉल करके आपका प्रॉब्लम नहीं बता सकते। कुछ दिन के बाद बोल रहे हैं कि 7 दिन से ज्यादा हो गया है, आपका कुछ प्रॉब्लम है तो आप नया टिकट रेज करिए, इस तरह बोल रहे हैं। मैं बोला कि 7 दिन से ज्यादा हो गया है, आपके तरफ से कोई कॉल नहीं आ रहा है, आपका कोई कस्टमर नंबर नहीं है और मैं आपके डायरेक्ट कॉल कर नहीं सकता। तो ये लोग क्या कर रहे है, मेरा जो 2 टी शर्ट मिसिंग है उसका ना इसको रिफंड कर रहे ना कुछ बता रहे ढंग से। ये लोग बार बार मेरा टिकट को क्लोज कर दे रहे, मेरा पैसा को रिफंड नहीं करिए, तो ये सब दिक्कत हो रहा है। मैं सब कुछ डिटेल्स में दोबारा उन लोगों को बताया, जो क्लेम किया दोबारा क्लेम किया, लेकिन ये लोग बार बार मेरा अनेबल टू एक्सेप्ट योर क्लेम, इस तरह लिखकर मेरा टिकट को क्लोज कर दे रहे। मैं इनको परेशान होकर ये भी बोला, आप स्टूपिड नॉनसेंस कैसे रिप्ले कर रहे हो, ना आप कॉल कर रहे हो एक बार भी, मैंने मेरा दूसरा नंबर भी दिया, दूसरा नंबर में कॉल करो, लेकिन एक बार भी मेरा दूसरा नंबर भी इन लोगों का कॉल नहीं आया था। देखिए मेरा बार बार ये लोग टिकट क्लोज कर दे रहे और मेरा पैसा को रिफंड नहीं कर रहे। मैं यहाँ पे जो पार्सल में दिया था, जो पार्सल डिलीवरी बॉय लेकर आया था, वो पार्सल को रिसीव नहीं किया क्योंकि उसमें 2 टी शर्ट मिसिंग था और प्लास्टर चिपकाया गया था। मैं उसके बाद टिकट रेज किया, ये लोग बोले पार्सल को रिसीव करो उसके बाद टिकट रेज करो, तो मैं पार्सल को रिसीव किया उसके बाद टिकट रेज किया, वीडियो बनाकर प्रॉपर वीडियो बनाकर उन लोगों को दिया, उसके बाद भी मेरा क्लेम रिजेक्ट कर रहे और मेरा टिकट को बार बार क्लोज कर दे रहे। मुझे नहीं लगता है मिसो की तरफ से मेरा 2 जो टी शर्ट मिसिंग हुआ है उसका पैसा मुझे मिलेगा, क्योंकि ये लोग ऐसे ही करते है, बहुत सारे सेलर के साथ ऐसे ही करते है। पार्सल मिसिंग हो जाता है, एक्सप्रेस वे डिलीवरी पार्टनर से, और ये लोग पैसा भी रिफंड नहीं करते। मिसो का खुद का कोई डिलीवरी पार्टनर नहीं है, ये लोग कोई और 4 डिलीवरी पार्टनर के साथ कोलाब करके वो लोग काम करते हैं। इसी वजह से ये लोग आसानी के साथ चोरी कर लेते हैं और हमारा पार्सल हमको नहीं मिलता है। तो आप लोग ये सब बातों का ध्यान रखिए। यहाँ पे मैं पुलिस कंप्लेन आगे करूंगा या नहीं करूंगा ये तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। और यहाँ पे और एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे जब डिलीवरी बॉय मुझे पहली बार पार्सल देने के लिए आया था, यहाँ पे वो डिलीवरी बॉय बोलता है कि हमारे पास इतना टाइम कहाँ होता है कि हम प्रॉपर चेक करके पार्सल को लाए आपके पास, हमारे पास टाइम ही नहीं होता है उतना कि पार्सल के अंदर 2 टी शर्ट है या फिर 3 टी शर्ट है, पार्सल आया हम लोग ला देते और डिलीवरी कर देते, ऐसे ही ये लोग चेक नहीं करते। जब मेरे से पार्सल गया वहाँ पे प्रॉपर चेक हुआ होगा, वेट में वो ठीक ठाक आया होगा, 3 टी शर्ट उसके अंदर है ये या नहीं वो चेक किया होगा, उसके बाद भी कस्टमर तक वो पार्सल को सेंड करते हैं ये लोग। जब प्रॉपर चेक हुआ है, कस्टमर तक वो पार्सल गया है, पार्सल रिसीव नहीं किया, उसके बाद ऑर्डर कैंसिल हुआ, उसके बाद वापस ये लोग चेक करके ही रिटर्न करना चाहिए। पता नहीं ये लोग कैसे चेक कर रहे हैं और उसके अंदर टी शर्ट दो नहीं है फिर भी ये RTO अप्रूव करके पार्सल को रिटर्न कर रहे है, पता नहीं कैसे इनका RTO कैसे अप्रूव हो जा रहा है, ये लोग ऐसे ही करते है। आगे मैं आपको क्या बताऊं, मेरे साथ तो ये नुकसान
नुकसान हो गया है, लगभग 600 से 700 रुपीस का मेरा नुकसान हुआ है। आप लोग ये गलती ना करिए, प्लीज मीशो में सेल मत करिए।